न्यूक्लियर आपको स्टेज पे आपने देखा ना तो यू ड्रेस अप वेरी नॉर्मली मेरे पास इतने पैसे नहीं है एक्चुअली कट करें <laughs> <laughs> बात करें देखो ना मेरा नाम न्यूक्लियर है ये तो कोई नाम होता है मे बी माय मैनेजमेंट विल स्लैप मी आफ्टर दिस इंटरव्यू 1 2 3 गो 1 2 आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है वेलकम टू एबीपी लाइव सर थैंक यू वेरी मच जैसे ही मुझे पता चला कि आज मैं न्यूक्लियर सर से मिलने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पेन कॉपी निकालूं और आपके लिए चार लाइनें लिख दूँ क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा ठीक नहीं है म्यूजिक में तो वेदर शब्दों के साथ मैं खेल सकती हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा आपकी बस परमिशन चाहिए होगी वो चार लाइनें बोलने से पहले अब तो मुझे डर लग रहा है <laughs> <laughs> पर आपको इजाजत है ठीक है मैंने लिखे चार शब्द EDM आज किया बड़े अच्छे लगे बाद जब सुना इंटरनेशनल और इंडियन म्यूजिक का का क्या रिमिक्स सागर के के गाने पर झूमे झूमे सारी सारी दुनिया सारी दुनिया लाइव में आपका आने का शुक्रिया तो I I हाँ हाँ। <laughs> <आप> <laughs> तो आई आई होप यू बिट ये नहीं नहीं बोल <laughs> <laughs> Uh, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं वापस दिल्ली आया हूँ पहले mm. मैं ही रहता था एक्चुअली mm -hmm. और यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है mm -hmm. खाना बहुत अच्छा है mm -hmm. तो दोनों चीज़ अच्छी है गर्मी ज्यादा है दैट्स ओके okay. खाने की बात करें तो विच इजर आई लाइक स्ट्रीट फूड एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट फूड कुछ भी चलेगा छोले भटूरे भी चलेंगे चाट भी चलेगी चिकन mm -hmm. भी चलेगा कुछ mm -hmm. भी चलेगा स्ट्रीट फूड हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर आई लाइक दैट तो जैसे आने से पहले मैंने आई हैव बीन थ्रू योर वीडियो YouTube में है मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप झूमते रहते हैं अपनी म्यूजिक के साथ कभी डी जो आपका डेस्क है पूरा उसके ऊपर कभी साइड में होते है, पूरा स्टेज आप कोशिश करते हैं कि जितने से जितना ज्यादा जा, पॉसिबल हो आप ये पावर कहाँ से आती है ये एनर्जी कहाँ से आती है आंगन टेढ़ा है मेरी गलती <laughs> नहीं है नक्चुअली आई थिंक एनी बडीज परफॉर्मिंग शुड बी एबल टू एंजॉय्फ आप खुद ही अगर इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो Um, आपका ऑडियंस कैसे करेगा? Hmm. तो मैं तो मजे लेता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। hmm. और ऑडियंस से जब रिएक्शन oh, hmm. hmm. तो फिर uh, कुछ तो बड़े. <laughs> hmm. अच्छा अगर कॉन्सर्ट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में भी आपके कॉन्सर्ट होते रहते हैं तो विच इज फेवरेट प्लेस यहाँ का क्राउड बेस्ट है और यहाँ आते ही आपकी अलग ही वाइब

Mm. MTV hustle. Yeah. I mean, I enjoyed the experience mm. of being on that show. Mm. Um, I enjoyed interacting with the um, artists, mm. the talent. Um, but th that's exactly where it ended for me. Mm. I don't know how far my music.

माई फैंस माई फैंस दे वॉन्ट मी टू रिलीज म्यूजिक विच इज़ लाइंड अपर रिलीज हुई कोलेबरेटिंग विद एक्चुअली मैं आपको इन्हें सच्चाई से बताता हूँ बात ये होता क्या है कि जब मैं गाना बनाता हूँ hmm. तो उसको फाइनल करते वक्त आ, करते करते कई बार ऐसा होता है कि गाना पूरा का पूरा डिस्कार्ट हो जाता है okay. क्योंकि कुछ Uh, गणित सेट नहीं होता यू नो you know? uh, और इसमें मार्केटिंग वार्केटिंग तो आई भी नहीं है हम तो प्योरली टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि से फॉर एग्जाम्पल मैं uh, रेखा भारद्वाजी भारद्वाज के साथ गाना बना रहा हूँ तो आप बोलोगे वाओ न्यूक्लिय मेकिंग अ सॉन्ग रेखा भारद्वाज और फिर हुँ. मुझे पता चलेगा कि बाय द टाइम आई फिनिश द सॉन्ग एटी नाइनटी परसेंट इट डेंट कम आउट द वे आई वॉन्टेड टू तो फिर मैं वो गाना रिलीज नहीं करूँगा पिछले दो साल में भी ऐसा कई बार हुआ

मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं एक्चुअली <laughs> मुझे मैं मैं इतने पैसे बनाता नहीं हूँ ये बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट हैं ना वो शो के करोड़ों रुपए लेते हैं तो आ, उनके पास बहुत पैसे हैं तो वो दिखा देते हैं मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाता नहीं हूँ <laughs> ये कट करें <laughs> ये कट करें <laughs> अच्छा आ। पॉप म्यूजिक की अगर बात करें इस कल्चर की बात करें न्यूक्लिया पॉप म्यूजिक की बात करें तो फॉरेन कंट्री में इसका जो क्रेज देखा गया है वहाँ के लोगों के बीच में इंडिया में क्या लगता है कि आगे कोई फ्यूचर है या वे द पाथ इज गोइंग ऑफ पॉप म्यूजिक या पॉप म्यूजिक इज कॉल्ड पॉप म्यूजिक बिकॉज इट्स simple and popular, hmm, hmm. You know? um i think more than pop music in india पॉप म्यूजिक इन इंडिया इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज फ्लरिशिंग रिलीवल नए नए काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत म्यूजिक बना रहे हैं तो वो मुझे लगता है चलेगा इंडिया में बहुत अच्छे से पॉप म्यूजिक तो सब जगह चलता ही है दैट्स वाईट्स पॉप म्यूजिक इट्स बोरिंग ऑल्सो अच्छा जितने बेहतरीन आपके म्यूजिक होते हैं ना उसके जाद, उससे ज्यादा बेहतरीन आपके म्यूजिक के टाइटल होते हैं तो <laughs> उस कहाँ से ये आइडिया आता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ एक्चुअली माई वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हमने एक गाना बनाया था उसका नाम भयानक आत्मा हो गया क्योंकि उसमें एक शब्द था भयानक आत्मा hmm. hmm. फिर uh, ऐसे ही हैं सारे

मे बी नॉट मे बी माई मैनेजमेंट विल स्लैप मी आफ्टर दिस इंटरव्यू अच्छा पूरे दिन का आपका जो स्केड्यूल होता है इट्स वेरी हैक्टिक नहीं आप... नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे पास बहुत टाइम है जिंदगी में <laughs> <मैं>। <laughs> फिर भी आ, <laughs> हमने देखा है कि आप बैक टू बैक कॉन्सर्ट करते हैं टू आवर्स कभी थ्री आवर्स के कॉन्सर्ट होते हैं कभी एक दिन में ज्यादा कॉन्सर्ट हो जाते हैं फॉर दैट यू हैव टू सेव एनर्जी तो वो कहाँ से नहीं मैं इतना हेक्टिक नहीं है मेरा स्केड्यूल <laughs> मैं बहुत ही फ्री आदमी हूँ मैं पूरा दिन बैठ

मैं वो म्यूज़िक सुनता हूँ जो मेरे आसपास वाले लोग सुनते हैं तो मेरा बेटा बहुत नए नए म्यूज़िक सुनता है तो उसके जरिए मुझे नया म्यूज़िक सुनने को मिलता है uh, मुझे पर्सनली साउथ इंडियन म्यूज़िक बहुत पसंद है तो मैं वो बहुत सुनता हूँ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है तो मेरे जो डीजे फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है uh, आजकल मेरा मैनेजर अगम मुझे नए नए म्यूजिक सुनाता है तो hmm. वो मुझे नए नए आर्टिस्ट के बारे में hmm. सुनने को मिल रहा है आई एम वेरी ऐसे मेरे ओपन रेडार है hmm. मैं जिधर से जो फ्रीक्वेंसी अच्छी लगती है मैं सब सुन लेता हूँ बैंड बाजा सब कुछ या या आई एम फुली ओपन माइंड आई डोंट रियली केयर कहाँ से आया किसका है कौन सा म्यूजिक है किसका आर्टिस्ट है hmm. uh, मैं सब सुनता हूँ ओके okay. mm -hmm. के बेस्ट डीजे हैं जो हमें मिले हुए हैं oh तो <laughs> सीरियसली और इसीलिए कुछ स्टेप्स आप अगर, अगर अपने यू you know, नो अगर फैंस आपके देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आपके कॉन्सर्ट में जाएं तो यू विश कि वो कुछ स्टेप करेंगे आप मुझे ही सिखा दीजिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा गलत आदमी से पूछ लिया <laughs> <laughs> थोड़ा सा कुछ भी। मैं करता हूँ बिकॉजे में क्या होता है यू डू लाइक दिस देयर समथिंग लाइक हम दोनों ऐसे okay, फिर? Yeah. ऐसे करते हैं yeah। ऐसे-ऐसे करते हैं। अभी थोड़े से बिजी हैं दिल्ली में बहुत सारे कॉन्सर्ट हैं आई होप शाम में आप इन्हें देखेंगे किसी भी कॉन्सर्ट में और हम भी हमने भी टिकट ले ली है हमें मिल गई है तो हम भी आ रहे हैं थैंक यू वेरी मच वहाँ से आई रिपीट दिस स्टेप और नेक्स्ट टाइम आप भी कॉन्सर्ट में जाते हैं न्यूक्लियर के तो डू दिस स्टेप फॉर हैम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एस मच